दोस्तों जब इंग्लैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने अपना विकेट गवाया तब स्टेडियम में मौजूद सारा तेंदुलकर का चेहरा देखने लायक था। जी हाँ, आपको बता दें भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। शुभमन गिल ने शुरुआत कर ली थी, उन्होंने एक बेहतरीन चौका भी लगाया था और ऐसा लग रहा था कप्तान के साथ बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बेहतरीन शुरुआत के बाद शुभमन गिल अपना विकेट गवा बैठे। गिल ने अपनी पारी में 13 गेंदों का सामना किया था, उन्होंने 9 रन बनाए थे, एक चौका भी लगाया था, लेकिन तभी क्रिस वोक्स ने एक खतरनाक इन स्विंग गेंद डाली जो सीधे जाकर शुभमन गिल का विकेट ले उड़ी। गिल को थोड़ा भी समझ नहीं आया कि गेंद कैसे स्टंप में जा लगी। बोल्ड होने के बाद शुभमन गिल बेहद दुखी दिखाई दिए, वहीं कप्तान रोहित शर्मा भी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। पर यदि इन सबसे ज्यादा कोई दुखी दिखाई दे रहा था तो वो थी सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर। जी हाँ, वो गिल को सपोर्ट करने स्टेडियम आई हुई थी, वो गिल के चौके पर तालियां भी बजाते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही गिल क्लीन बोल्ड हुए उसके बाद तो सारा तेंदुलकर का चेहरा ही उतर गया, वो काफी दुखी और उदास दिखाई दे रही थी। आपको बता दूं इस बार के वनडे वर्ल्ड कप में शुभमन गिल का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया है, वो 3-4 मुकाबलों में केवल एक अर्धशतक ही लगा पाए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आगे के मुकाबले में ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए या फिर शुभमन गिल को? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।